हेलो एंड वेलकम टू इंडिया टीवी एंड यू आर वॉचिंग द डेली टैरो रीडिंग शो। मैं हूं मिस्टिक सोनिया और मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूं टैरो रीडिंग फॉर ऑल द सन साइंस। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सन साइन से, जो है एरी सन साइन, और हिंदी में हम इसको मेष राशि भी बोलते हैं। कार्ड्स यहाँ पे पहले से शफल हो चुके हैं और आइए देखते हैं एरी सन साइन वालों के लिए क्या कार्ड आते हैं। पहला कार्ड आपके लिए आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड और दूसरा कार्ड आया है किंग ऑफ वॉन्स का कार्ड। किंग एंड क्वीन आर टुगेदर एंड दे आर फेसिंग ईच अदर, इसका मतलब इससे ब्यूटिफुल एनर्जी और क्या ही हो सकती है। ये दोनों कार्ड ये बोल रहे हैं कि एक हारमोनी आपके रिलेशनशिप में यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। वो रिलेशनशिप आपका किसी के भी साथ हो सकता है, इट्स नॉट नेसेसरी कि एक पार्टनर के बीच की ये बात हो। एक बहुत ब्यूटीफुल टाइम है जहाँ पर कि किंग और क्वीन की एनर्जी में आप देख रहे हैं, एक बहुत ही एक ऐसी ब्यूटीफुल एनर्जी है जहाँ पर दोनों अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझते हुए, अपने इमोशंस को समझते हुए साथ साथ आगे बढ़ते हैं। एंड अप नेक्स्ट इज टॉरस सन साइन और हिंदी में हम इसको वृषभ राशि भी बोलते हैं। टॉरस, आप लोगों के लिए आज क्या कार्ड्स निकल के आए हैं आइए देखते हैं। फर्स्ट कार्ड फॉर यू इज फाइव ऑफ कप्स एंड द अदर कार्ड फॉर यू इज टेम्परेंस। दैट मीन्स कि जो कुछ भी आप पास्ट में छोड़ के आए हैं ना, आप यकीन रखिए वो आपको ज़रूर मिलेगा इन द फ्यूचर। सो यहाँ पर रिग्रेट की कोई भी गुंजाइश नहीं है, रिग्रेट आपको करना ही नहीं है, बिकॉज यूनिवर्स का जो आपके लिए प्लान है वो बहुत ही अच्छा प्लान है। यू जस्ट हैव टू बी अ लिटिल पेशेंट टू सी वॉट दैट प्लान इज। और अब बात करते हैं हम अपने अगले सन साइन जेमिनाई की और हिंदी में हम इसको मिथुन राशि भी बोलते हैं। जेमिनाइज के लिए कैसा रहेगा ये दिन आइए देखते हैं। आपके लिए पहला कार्ड है नाइन ऑफ वॉन्ड्स का और दूसरा कार्ड है सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स का। तो यहाँ पर मुझे जो कार्ड्स एनर्जी दे रहे हैं वो एक मूवमेंट की एनर्जी दे रहे हैं। हो सकता है आपने एक फर्म डिसीजन लिया है अपनी लाइफ में और वो फर्म डिसीजन बहुत सारे एस्पेक्ट्स को सोचने के बाद लिया है। तो अब आपको मुकरना नहीं है, अपने फैसले पर अडिग रहना है और जो भी ये फैसला आपको करने को बोल रहा है वही आप करिए। एंड नेक्स्ट अप इज कैंसर सन साइन और हिंदी में हम इसे कर्क राशि भी बोलते हैं। सो कैंसर सन साइन वालों के लिए कैसा दिन रहेगा, फाइव ऑफ कप से हुई है ओपनिंग और दूसरा कार्ड है एट ऑफ स्वॉर्ड्स। थोड़ी सी परेशानी, थोड़ी सी चिंता में लग सकते हैं आज आप, या कोई ऐसी न्यूज़ को सुन सकते हैं जो आपको परेशान कर दे। आपके लिए यहाँ पर एडवाइस ये है कि बहुत ज़्यादा आपको इमोशनल नहीं होना है आज एंड एक्सप्रेसिव होना है। इमोशन होने की वजह से आप थोड़ा सा अपने अंदर ही चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, बट अगर आप एक्सप्रेसिव होंगे और शेयर करेंगे आप जो कुछ भी फील कर रहे हैं तो वो चीज़ आपकी बहुत ईज आउट हो जाएगी। और अब बारी आती है सिंह राशि वालों की और इंग्लिश में हम इसको लियो सन साइन भी बोलते हैं। लियोस, आपके लिए कैसा रहेगा आज का दिन आइए देखते हैं। पहला कार्ड आया है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड और दूसरा कार्ड आया है टेन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो जो कुछ भी आप डिसीजन लेंगे आप ये समझ लीजिए वो आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए बहुत अच्छा डिसीजन होने वाला है। सो आप अगर डाउट में हैं तो डाउट से बाहर आ जाइए, बिकॉज आपके कार्ड्स यहाँ पर अलाइंड है कि जो डिसीजन आपने ले लिया वो डिसीजन बहुत ही फ्रूटफुल एक रिजल्ट लेके आएगा आपके लिए। एंड अप नेक्स्ट इज वर्गो सन साइन और हिंदी में हम इसको कन्या राशि भी बोलते हैं। वर्गोस, आपके लिए क्या कार्ड्स निकल के आए हैं। पहला कार्ड आया है टू ऑफ वॉन्ड्स का और दूसरा कार्ड आया है टू ऑफ पेंटिकल्स का। टू टू की एनर्जी है, थोड़ा इनडिसाइसिव एनर्जी, यानी कुछ तो सोच रहे हैं बट समझ नहीं पा रहे कि किस रास्ते को चुने। थोड़ा सा कन्फ्यूजन यहाँ हो सकता है, एक राह चूज करनी है पर बहुत समय लग रहा है उस चीज़ को डिसाइड करने में, तो थोड़ा समय यहाँ पर लगेगा। और काश यही कह रहे हैं कि आप जो है वो अपना एफर्ट यहाँ पर पूरा करें, बिकॉज डिवाइन हेल्प आपको मिल जाएगा। टू टू की एनर्जी हमेशा एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करती है और ये एनर्जी में रहने का मतलब ये है कि वो बैलेंस भी आपको क्रिएट होके मिलेगा। और अब बारी आती है लिब्रा सन साइन की, हिंदी में हम इसको तुला राशि भी बोलते हैं। लिब्रंस के लिए आज का दिन कैसा रहेगा आइए देखें। पहला कार्ड आया है फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स का और दूसरा कार्ड यहाँ पे आया है टेन ऑफ वॉन्ड्स का। सो थोड़ा सा यहाँ पर अपने ही एक्शंस की वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि आपने शायद गलत डिसीजन ले लिया और ये आपके ऊपर ही बात आ गई है वापस। तो कुछ आपने ऐसा कहा है, कुछ आपने ऐसा किया है इन द पास्ट जिसकी वजह से देयर इज अ लॉट ऑफ बर्डन दैट इज कम ऑन योर शोल्डर्स। थोड़ा सा आप उस बोझे को अपने कंधों से नीचे उतारिए और एक नए पर्सपेक्टिव से सोचिए, बिकॉज वहां पर आपको उस चीज का सोल्यूशन मिलेगा। और अब बारी आ गई है स्कॉर्पियंस की और हिंदी में हम इसको वृश्चिक राशि भी बोलते हैं। स्कॉर्पियंस, आपके लिए कैसा रहेगा आज का दिन आइए देखते हैं। कार्ड से जस्टिस का कार्ड आया है पहला कार्ड आपके लिए और दूसरा कार्ड यहाँ पर आया है
किंग ऑफ कप्स का, तो जो आपने डिसीजन लिए हैं वो आपके फेवर में ही होने वाले हैं। और आप एक ऐसे इंसान हैं जो बहुत फर्म डिसीजंस ले सकते हैं, आप ऐसे लोग नहीं हैं जो कंफ्यूजन में रहें या बहुत समय लगाएं उसको सोचने के लिए। तो यहाँ पर आपके लिए या तो अलाइनमेंट ऐसा हो जाएगा यूनिवर्स का कि डिसीजन आप बहुत आराम से ले लेंगे और वो डिसीजन आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। और अब आती है बाहरी धनु राशि वालों की, और इंग्लिश में हम इसको सैजिटेरियस सन साइन भी बोलते हैं। सैजिटेरियंस, व्हाट्स इन स्टोर फॉर यू, लेट्स सी। फर्स्ट कार्ड आपके लिए आया है फाइव ऑफ पेंटिकल्स का, और दूसरा कार्ड आया है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का। तो मुझे कार्ड्स को देखकर के ऐसा लग रहा है कि सम सॉर्ट ऑफ अ अलाइनमेंट इन योर फैमिली हैज हैपेंड, जिसकी वजह से कोई आई थिंक आपकी बातों से सहमत नहीं है, या आपने कोई ऐसा डिसीजन लिया है कि कुछ लोग उस डिसीजन से परेशान हैं या आपसे फिलहाल बात नहीं कर रहे हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर आपको एक मौका दे रहा है कि आप वो चीज़ क्लियर आउट कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। तो अगर ऐसा आपको लग रहा है कि मौका है तो वो आज ही है। और अब आती है बारी कैप्रिकॉर्न सन साइन की, और हम इसको हिंदी में मकर राशि भी बोलते हैं। सो कैप्रिकॉर्न्स आपके लिए क्या कार्ड्स आए हैं, आइए देखते हैं। पहला कार्ड आपके लिए आया है सेवन ऑफ वॉन्ड्स का, और दूसरा कार्ड यहाँ पे है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का। वॉन्ड की एनर्जी यानी कुछ कर गुजरने की चाह हो रही होगी आपको आजकल, या आप ऐसा आज का दिन होगा आपको लग रहा होगा कि आज मैं सब कुछ कर सकती हूँ। आपको अगर 10 चीज़ें आपके प्लान में हैं तो आपको ऐसा लग रहा है आप वो 10 चीज़ें अचीव कर सकते हैं। यहाँ पर अचीव करने की जो हिम्मत है, जो शक्ति है, और जो कुछ भी आपको रिक्वायरमेंट है ना वो आपको ऑलरेडी मिल रही है। सो देयर इज अ ब्लेसिंग देयर, वो एनर्जी को आप पहचानिए और अपने काम करते रहिए। एंड अप नेक्स्ट इज एक्वेरियस सन साइन, और हिंदी में हम इसको कुंभ राशि भी बोलते हैं। आइए देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स निकल के आते हैं। एक्वेरियंस के लिए जो फर्स्ट कार्ड आया है टावर का कार्ड है, और दूसरा कार्ड यहाँ पे आया है टेन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। एक मेजर शिफ्ट ये दिखा रहा है, कोई अंदरूनी हलचल होगी। ये इंटरनल शिफ्ट भी हो सकता है, एक्सटर्नली भी हो सकता है। चीज़ें आपके लिए बहुत ज़ोरदार तरीके से बदलें, और वो जो चीज़ें बदलेंगी ना वो आपको एक आपके अंदर एक हारमोनी लेके आएंगी। हो सकता है आपको आपके करीब लोगों के पास भी लेकर आए। ये शिफ्ट थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है इन अ टेम्परेरी मैनर, बट वो शिफ्ट को जैसे ही आप पार कर लेंगे ना, देन देयर इज ब्यूटीफुल हार्मोनियस एनर्जी दैट आई एम सीइंग हियर। और इसी के साथ हम आ गए हैं अपने लास्ट सन साइन ऑफ द ज़ोडियक पे, जो है पाइसिस सन साइन, और हिंदी में हम इसको मीन राशि भी बोलते हैं। आपके लिए पहला कार्ड जो आया है वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, और दूसरा कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो आप अपनी पावर में हैं, आपको पता है कि आपको लाइफ में क्या करना है, क्या चाहिए, और उसके लिए क्या इंग्रेडिएंट्स लगेंगे कि आपको एक सक्सेसफुल पोजीशन पे आप अपने आप को देख पाएं। पेज ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे दिखा रहा है आप हमेशा कुछ नए आइडियाज़, कुछ नया काम, कुछ ऐसा करते रहते होंगे। सीखने की जो चाह आपके अंदर है ना वो बहुत सॉलिड है और बहुत स्ट्रांग है, और ऐसा ही रहना चाहिए। दिस इज द एडवाइस फॉर यू टुडे। तो इसी के साथ मैं ये एपिसोड पूरा करती हूँ। मैं कल फिर आपसे मिलूंगी विद ऑल द 12 सन साइंस। थैंक यू सो मच।